हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से हो गए, आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपका एक सवाल लेने वाला हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सवाल करते हैं कि हमारे एसी का जो बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है, या फिर हम कौन सा एसी लें ताकि हमारे बिजली का बिल कम आए। क्योंकि जब भी एसी की बात होती है तो बिजली के बिल की बात जरूर साथ में हो जाती है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इस बात से डरते हैं कि बिजली का बिल ज़्यादा आने लग जाएगा तो एसी ही नहीं लगवाते हैं अपने घर में। तो ये जो सोच है ना दोस्तों, इसको थोड़ा सा बदलने का वक्त आ गया है अब, और हमें थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ को यूज़ करना नहीं आता है तो बिल ज़्यादा ही आएगा। अगर मैं एयर कंडीशनर की बात करूं, सपोज़ हमें गाड़ी चलानी नहीं आती है ठीक से, उससे माइलेज लेना नहीं आता है, तो हमारी गाड़ी माइलेज ज़्यादा नहीं देगी और वियर एंड टेयर उसके ज़्यादा होंगे। इसी तरह से एसी के साथ भी होता है। एसी अगर हम ठीक से यूज़ नहीं करते हैं तो बिल ज़्यादा आएगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी, कंप्रेशर उसका जो है वो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, कूलिंग कम हो जाएगी ईयर बाई ईयर। तो ऐसे में अगर आप किसी चीज़ को तरीके से चलाते हो तो कूलिंग भी ठीक रहेगी, कंप्रेशर भी ठीक रहेगा, मशीन भी ठीक रहेगी, परफॉर्मेंस भी ठीक रहेगी और बिल भी कम आएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास 6-7 पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आ जाए कि आपको किस तरह से अपने एसी को यूज़ करना चाहिए ताकि आपके बिजली का बिल कम रहे। और दोस्तों, दूसरी बात और मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग सोचते हैं कि 5-star एसी ले लेंगे तो बिल कम आएगा। ये मतलब होता है, कंपैरेटिवली तो कम ज़रूर आएगा, लेकिन अगर हम यूज़ उस एसी को ढंग से नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि 5-star एसी का बिल ज़्यादा आ जाए 2-star एसी से। क्योंकि 2-star वाला जो बंदा होगा वो अगर उसको ढंग से यूज़ कर रहा होगा तो उसका बिल कम आ सकता है। तो ऐसे में स्टार रेटिंग वगैरह के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हमें पहली बात तो ये है कि जब भी हम कोई एसी खरीदने जा रहे हैं तो उसकी कूलिंग एफिशिएंसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर लोग कूलिंग के ऊपर कम ध्यान देते हुए उसकी स्टार रेटिंग पे, पावर कंजम्पशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेंशन हम लोगों को ये रहती है कि बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आना चाहिए। लेकिन जो चीज़ हम लेने जा रहे हैं ना दोस्तों, हमें उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हम अगर एसी लेने जा रहे हैं तो एक ऐसी मशीन लेने जा रहे हैं जो हवा को ठंडा करके हमें कंफर्टेबल फील कराएगी। तो हमें उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसी मशीन हम लेके आएं जो उस चीज़ में, यानी कि एयर कंडीशनिंग में ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करे, ना कि उसकी पावर कंजम्पशन में। पावर कंजम्पशन एक सेकेंडरी चीज़ होनी चाहिए हम सब के लिए, बट स्टिल पावर कंजम्पशन एक मेजर फैक्टर है एयर कंडीशनिंग के मामले में। तो चलिए आज हम उन पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। 6-7 पॉइंट्स हैं मैंने जो डिस्कस करने हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को अपना लेते हो तो श्योरली आपके बिजली का बिल भी कम आने लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, सेट योर एसी बिटवीन 25-27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि आपके एसी को आपने 25 और 27 के बीच में सेट करना है। कभी भी अपने एसी को मिनिमम टेम्परेचर पर सेट मत कीजिए। ये बातें मैंने आपको अपनी काफ़ी वीडियोस में बताई हैं, और इस चीज़ का जो असर है वो आपके बिजली के बिल पे पड़ता है सीधा सीधा, और आपके एसी के कंप्रेशर के ऊपर पड़ता है, उसकी लाइफ के ऊपर पड़ता है। अगर आप नाजायज उसको 18 पे, 16 पे, 17 पे चलाते हो तो समझ लीजिए आपके एसी का जो कंप्रेशर है आपने उसके ऊपर एक्सेस लोड दे दिया है। आप खुद ही मुझे बताइए, एक बार कमेंट्स में बता दीजिएगा, क्या आप 16 डिग्री या 17-18 डिग्री पे सर्वाइव कर लेंगे? आपको कंबल नहीं लेना पड़ेगा। और आपने जो एसी लगा रखा है, मैं पहले भी आपको अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, वो कंबल लेने के लिए थोड़ी लगाया है, वो इसलिए लगाया है ताकि हम कंफर्टेबल फील करें। तो कंफर्टेबल जो ह्यूमन बॉडीज होती हैं वो 24 से लेकर 26-27 तक कंफर्टेबल फील करते हैं, अलग अलग बॉडी टाइप के हिसाब से।
तो आप अपने एसी का जो टेम्परेचर है 25 से 27 के बीच में सेट रखिए, क्योंकि जब आप इसको 25 और 27 पे सेट रखोगे तो इजीली, यानी कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपके कंप्रेसर को डिज़ायर टेम्परेचर पर पहुंचने के लिए, तो इजीली वो डिज़ायर टेम्परेचर पर पहुंचेगा और उसके बाद कट ऑफ हो जाएगा। तो जितनी बार कट ऑफ होगा कंप्रेसर, उतनी ही बिजली की बचत भी होगी और ना ही कमरे में एक्सेस ठंडक होगी, जो कि हमें चाहिए नहीं है। कंबल लेके हम उस ठंडक को ख़राब ही करते हैं, तो ऐसे में कोई ज़रूरत नहीं है उसको 24 पे 23 पे 22 पे 20 पे सेट करने की। उसको आप आइडियल टेम्परेचर पर सेट कीजिए, जो कि होता है 25 से 27 के बीच में, कुछ लोग 24 भी रखते हैं। तो वो आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, जिस पे आपको कंफर्टेबल फील होता हो आप उतना ही रखिए, उससे ज़्यादा ना रखिए। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि हम मिनिमम पे इसलिए सेट करते हैं क्योंकि जब हम 25 पे सेट करते हैं या 26 पे करते हैं तो कूलिंग ही नहीं आती है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जो कूलिंग देने की कैपेसिटी है एसी की वो सेम रहती है, टेम्परेचर आप कितना भी सेट कर लीजिए। उस कूलिंग का जो मतलब फ्लो है, कूलिंग का जो टेम्परेचर होता है वो उतने ही हिसाब से आना है। बस फर्क इतना पड़ता है कि आपने 25 सेट कर दिया तो जब कमरे में 25 डिग्री अचीव हो जाता है तो कंप्रेसर बंद कर दिया जाता है या उसकी स्पीड को स्लो कर दिया जाता है। अगर आपने 18 पे सेट कर रखा है तो वो काम 18 डिग्री जब तक हो नहीं जाएगा कमरे में, तब तक वो कंप्रेसर कूलिंग देता रहेगा, यानी कि वो कंप्रेसर चलता ही रहेगा और बिजली खाता ही रहेगा। तो ये बातें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत वीडियोस में बता रखी हैं, तो इनके ऊपर मैं ज़्यादा समय ना खराब करते हुए सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आइडियल जो टेम्परेचर है 25 से 27 के बीच में अपना एसी चलाइए, बेशक रात को चलाइए बेशक दिन में चलाइए। हाँ, एसी के रिमोट में एक बटन होता है टर्बो का या पावर चिल वगैरह का, अगर आप कहीं से आ रहे हैं तो उसको ज़रूर ऑन कर लीजिए, वो एक फिक्स टाइम होता है, 10 मिनट का टाइम होता है। तो उतने के लिए क्या होता है कि जितनी भी एसी में मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो उसके ऊपर रन करता है 10 मिनट के लिए, और उससे आपका जो कमरा है वो थोड़ा सा जल्दी ठंडा हो जाता है, और उसके बाद उसको 25 या 26 27 जो भी आइडियल हो उस पर आप सेट कर लीजिए, तो श्योरली आपके जो बिजली का बिल है वो कम हो जाएगा। और दोस्तों एक और बात, जो स्टेबलाइजर लगाए होते हैं हमने, स्टेबलाइजर की आउटपुट को चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टेबलाइजर ठीक नहीं है तो भी कूलिंग में दिक्कत आती है और पावर कंजम्पशन भी कम ज़्यादा हो जाती है। तो स्टेबलाइजर का जो आउटपुट सप्लाई है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर वो आउटपुट ज़्यादा दे रहा है या कम दे रहा है तो बिजली के बिल में इजाफा होता है, तो स्टेबलाइजर बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग होना चाहिए। तीसरी बात है एम्बिएंट टेम्परेचर। दोस्तों एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर बिजली का बिल डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एम्बिएंट टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा कंप्रेसर को कमरे के अंदर कूलिंग को मेंटेन करने के लिए। तो आप कोशिश करें कि आपका जो आउटडोर है बेसिकली वहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर कम हो सके। अब उसके लिए आप शेड लगा सकते हैं, कोई टीन लगा सकते हैं, या आप आउटडोर को ऐसी जगह पर प्लेस कर सकते हैं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए, या कोई ऐसा वहाँ पर व्यवस्था कीजिए कि मतलब उसके ऊपर धूप ना आए, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म ना हो। तो ऐसे में अपने जो एसी का टेम्परेचर है उसको 25-27 पे रखें और कोशिश करें कि एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो कम हो सके अगर, तो आउटडोर के ऊपर कोई टीन वगैरह या शेड किसी भी तरह की व्यवस्था आप कर लीजिए, उससे सफिशिएंट हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो स्लीप टाइमर्स होते हैं, जैसे हम रात को एसी चलाते हैं और बस चला के छोड़ दिया और जब हमारी नींद खुली तब उसे बंद कर दिया, अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं तो आपका बिल ज़्यादा आएगा। आपको हमेशा स्लीप टाइमर लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई टाइमर लगा देते हैं तो एसी के अंदर सेटिंग्स होती हैं कि वो हर 2 घंटे के बाद 1 डिग्री या 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, और उससे दोस्तों ना हमारी नींद ख़राब होती है, ना ही हमें ठंडक ज़्यादा ठंड लगती है, और हमारे बिजली का बिल भी बचता है। तो स्लीप मोड जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है पावर सेविंग के मामले में। आप कभी भी अपने एसी को रात को अगर चलाते हैं तो उसको स्लीप टाइमर ऑन करके चलाएं। ऐसे में आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा कूलिंग का, और ना आपकी नींद ख़राब होगी
और आपके बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। अब जो बात है फिल्टर, दोस्तों फिल्टर जो हैं आपके एसी के क्लीन होने चाहिए। ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं कंप्रेशर के ऊपर लोड से। अगर आपके फिल्टर चौक हुए पड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके कंप्रेशर के ऊपर लोड पड़ रहा है, जाके उसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो फिल्टर्स जो हैं एसी के वो पीरियोडिकली साफ़ होने बहुत ज़रूरी हैं। हर 15 दिन में आप अपने एसी के फिल्टर्स को साफ़ कीजिए। जितने साफ़ रहेंगे आपके फिल्टर्स उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी आपके कंप्रेशर को, उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी इंडोर की मोटर को, ब्लोअर को, उतना ज़्यादा आपको अच्छा कूलिंग एक्सपीरियंस होगा और पावर सेविंग भी होगी। यहाँ पे हम बात पावर सेविंग की कर रहे हैं तो हर पॉइंट के अंदर पावर सेविंग जुड़ी हुई है। और लास्ट जो पॉइंट है, हालांकि मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस कर सकता हूँ लेकिन ये थोड़े से मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको मैं बताना चाह रहा था। लास्ट पॉइंट ये है कि आप एसी के साथ सीलिंग फैन ज़रूर चलाएं। सीलिंग फैन चलाने से क्या होता है कि एसी की जो हवा सपोज आ रही है तो उसको सर्कुलेट करने में मदद मिलती है, जिससे आप अगर अपने एसी को 26 पे भी चलाओगे या 27 पे भी चलाओगे तो भी आपको कंफर्टेबल फील होगा। तो सीलिंग फैन को अगर आप चलाते हो तो बिजली का बिल कम होता है। और इस चीज़ के ऊपर तो मेरा एक वीडियो है जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया है और उसके ऊपर लोगों ने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, बट स्टिल वो बात प्रूवन है कि अगर आप सीलिंग फैन चलाते हो तो बिजली का बिल कम आता है क्योंकि आपके एसी को कम मेहनत करनी पड़ती है। अब तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे, मुझे लगा कि आप लोगों को, आप लोग बहुत बार मुझे कमेंट्स में पूछते रहते हो, हालांकि वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं बट नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, वो नए नए मतलब कमेंट्स करते हैं, तो मुझे लगा कि चलो एक बार और मैं इस चीज़ को आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ। तो इसमें एक दो चीज़ें नई भी थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो अगर आप इन सब चीज़ों को अपनाते हो तो श्योरली आपका जो बिजली का बिल है वो कम आएगा। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या आप ऐसी हैबिट्स रखते हैं जिनकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता है, तो आप उनको ज़रूर चेंज करके देखिएगा और जो भी डिफरेंस होगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।